भजन संहिता 12:6। ये दिन प्रभु का दिन, संडे का दिन, परमेश्वर ने कहा है कि ये पवित्र है, ये आनंद मनाने का दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के अनुग्रह को जानने का दिन है। कभी आपने सोचा है वो क्यों कहता है कि हमें रविवार एक साथ जुड़ना है और इकट्ठे होना है? हालेलुया। इस दिन परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में कैसे काम करता है? हालेलुया। आज मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था, आप का कोई अपना, कोई प्यारा, कोई ऐसा रिश्तेदार जो सालों साल आपसे नहीं मिला हो, हालेलुया, और अगर आपको लगता है कि वो आज मिलने वाला है, तो आप लोग उत्साहित होंगे कि नहीं होंगे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा भाई मिलने वाला है, मेरी बहन मिलने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया एक ऐसी जगह है जहां पर परमेश्वर अपने बच्चों को मिलवाता है। हालेलुया। तो हमारा आनंद कब बढ़ता है? जब हम अपने खोए हुए भाइयों को पाते हैं, जब हम अपने खोई हुई बहनों को पाते हैं। हालेलुया। जिस दिन एक नया आत्मा आती है, जिस दिन एक नई आत्मा आती है, तो परमेश्वर का आनंद हम में भर जाता है कि वो आत्मा, वो मेरा भाई जो खो गया था, आज प्रभु के घर आ गया है। हालेलुया। वो मेरी बहन जो खो गई थी, जिसके बारे में हमें नहीं पता था, हम प्रार्थना करते थे, आज वो आ गई है। हालेलुया। कितने आनंद की बात है कि कलीसिया हमारे खोए हुए भाइयों से, हमारी खोई हुई बहनों से, हमारे परिवारों से परमेश्वर के आशीर्वाद से हमें मिलवाता है। आमीन। हालेलुया। और जब हम अपने भाइयों से और अपनी बहनों से मिलते हैं, तो परमेश्वर का वो आनंद जो कभी नहीं खत्म होता है, वो हमेशा हमारे अंदर बना रहता है। हालेलुया। तो आज पहला रविवार है, हम लोग कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपको नई चीजें मिलेंगी, और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपका जीवन आज बदले। हालेलुया। भजन संहिता 12:6। आइए हम जानते हैं परमेश्वर के वचन के बारे में। सुनिए, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन पवित्र है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पवित्र है। भजनकार कहता है कुछ भी पवित्र नहीं है, कोई भी चीज इस धरती पर पवित्र नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन पवित्र है। हालेलुया। इसलिए जब भी हम उस वचन को सुनने के लिए बैठे हैं, तो अपने अंदर की पवित्रता को तैयार करें। वो जो पवित्र वचन है, उसको लेने के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि वचन कहता है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन पवित्र है। आगे आगे बढ़ो बेटा। उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई, हाँ, और 7 बार निर्मल की गई हो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन पवित्र है, और वो उस चांदी के समान है जो मिट्टी पर ताई हुई और 7 बार शुद्ध की गई है, तब वो चांदी निकलती है। यानी कि परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, वो यूं ही नहीं निकलता है। उसकी शुद्धता, उसकी शक्ति, उसके सामर्थ्य को परमेश्वर जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन क्या कहता है? वो वचन पवित्र है और चांदी के समान 7 बार, जिस तरीके से चांदी को ताया जाता है शुद्ध करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब वो मुंह से निकलता है, आप जानते हैं, परमेश्वर आप को जब यह कलीसिया पे लेकर आता है, जब आपको चुनता है, आपको चुनने से पहले वो आपको जांचता है। बाइबल कहती है उत्पत्ति से पहले से आप चुने हैं। प्रेज द लॉर्ड। मां के घर में आने से पहले परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। हालेलुया। आप यूं ही नहीं आ गए, परमेश्वर ने आपको यूं ही नहीं चुन लिया, वो आपकी हर कमजोरी को जानता है। जितना आप अपने बारे में नहीं जानते, उतना परमेश्वर आपको जानता है। किस बात से आप गिरेंगे, कौन सी बात आपको छू जाएगी, किस बात
कौन सी बात आपको आजमाइश में लेके जाएगी, कौन से अच्छे गुण हैं आप में, कौन सी शक्ति है आप में, सब परमेश्वर जानता है। उसे चुना है आपको। हालेलुया। शैतान आपको बोलेगा कि आप गलत जगह आ गए। शैतान आपको बोलेगा कि नहीं, तुम में कमी है, तुम इस योग के नहीं हो, तुम प्रभु के योग के नहीं हो। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे चुना है और तू मेरी आंख की पुतली है। प्रेज़ द लॉर्ड। तू कौन है? मेरी आंखों की पुतली है। इसलिए वो कहता है परमेश्वर का वचन पवित्र है। इसलिए जब वो निकलता है मत्ती 5:2 में, जब यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश देने के लिए बैठे थे, वचन साफ साफ कहता है कि उसने मुंह खोल कर बोला। परमेश्वर कभी भी यूं ही बात नहीं करता है। इसलिए बाइबल कहती है कि हमें भी सोच समझ कर बात करनी है। इस नए साल में मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जो वचन आप ग्रहण करते हैं, हालेलुया। मैंने आपसे पहले भी कहा था, कितने लोग कॉपी लेकर आए हैं लिखने के लिए? बाइबल है, कॉपी लेकर आए हैं, हालेलुया। और सब लोग लेकर आइए कॉपी प्लीज। क्यों? उसके मैं आपको रीजन बताता हूं। उसे मैंने फ्राइडे को बताया था, आज दोबारा बताता हूं। कितने लोग बीमार होकर डॉक्टर के पास जाते हैं? जाते हैं सब लोग डॉक्टर के पास, और डॉक्टर आपको दवाई देता है? देता है कि नहीं देता है? देता है। और आकर दवाई आप खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं, तभी ठीक होते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप डॉक्टर के पास जाएं, दवाई लें और फिर जाएं डॉक्टर के पास और दवाई खाएं ना आप, तो क्या ठीक होंगे? नहीं ठीक होंगे। इसी तरीके से आप कलीसिया में आते हैं, ये आपने वचन सुना, और अगर इस वचन को आपने ग्रहण नहीं किया तो क्या आप ठीक होंगे? नहीं ठीक होंगे। इसलिए लिखना जरूरी है ताकि जब आप यहां से निकले तो आपको याद रहे कि पासवान ने क्या कहा था, प्रभु ने क्या कहा था, कौन सा वचन, उसकी कीमत क्या है। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आपने लिखना शुरू कर दिया और घर में जाके 15 मिनट रोज उन वचनों को 15 मिनट दीजिए, आप ज्यादा मत दीजिए, जो आप लिख के ले जाते हैं उनको सिर्फ रोज 15 मिनट दीजिए, पासवान ने क्या बताया था उसको याद करिए, उसको मनन करिए, वो आपके जीवन में कैसे काम करेगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपका जीवन बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो वचन है, वो जो आपने अंदर लिया, वो काम करना शुरू कर रहा है। हालेलुया, यस। इसलिए आप कलीसिया आए और वचन अंदर ना लें और आप ठीक ना हो और आप ये शिकायत करें कि मैं ठीक नहीं हो रही हूं, मेरा परिवार ठीक नहीं हो रहा, मुझे चंगाई नहीं मिल रही है, तो मेरे भाई बहन ये गलत है। आपको उसे विश्वास के संग अंदर लेना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप नहीं लेंगे तो आशीष नहीं पाएंगे। कई बार क्या होता है कि परमेश्वर के वचन को हम लेने के बावजूद भी उसको समझ नहीं पाते हैं। हालेलुया। हम उसकी आत्मा को नहीं समझ पाते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम क्या सही जिंदगी जी रहे हैं, क्या हम सही मसीह जिंदगी, हम जो जी रहे हैं वो क्या सही है, हमारा जो कहने का तरीका है वो सही है, देखने का तरीका सही है, बैठने का तरीका सही है, मसीहत जो हमारे जीवन में है, जो हमारे अंदर है, वो क्या सही है। हालेलुया। देखिए आज मैं आपको बताता हूँ उसका तरीका क्या है, उसको जांचने का तरीका क्या है। हालेलुया। पहला शमूएल 18:10-11-12, पहला शमूएल 18। देखिए यहाँ पर पहला शमूएल में शाऊल के बारे में बात हो रही है, जिसको परमेश्वर ने चुना था, वो शाऊल जो कि पहला राजा बना। हालेलुया। किश का पुत्र शाऊल बहुत खूबसूरत था, बहुत ऊंचा लंबा था। शमूएल ने उसका अभिषेक किया और शाऊल को परमेश्वर ने चुना, लेकिन शाऊल परमेश्वर के मुताबिक उसने काम नहीं किया, परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक वो नहीं चला, इसलिए शाऊल को परमेश्वर ने राजा बनाने से निकाल दिया। हेलो। अपनी आत्मा ले ली और उसमें दुष्ट आत्मा आ गई।
Praise the Lord. Hallelujah. ध्यान दीजिए मेरे भाई, परमेश्वर आपको चुनता है। अगर आप उसे चुने हुए, आप उस चुने हुए की कीमत को नहीं समझेंगे, अगर आप कीमत को नहीं जानेंगे कि परमेश्वर ने आपको चुना है, उस चुनाव की कीमत को अगर आप नहीं जानेंगे, उस आत्मा की कीमत को अगर आप नहीं जानेंगे, परमेश्वर की इच्छा की कीमत को नहीं जानेंगे, परमेश्वर की आज्ञा की कीमत को अगर आप नहीं जानेंगे, तो आपका आशीष आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। और क्या होगा, आप समझ नहीं पाएंगे। शाऊल के संग क्या हुआ, शाऊल राजा था, शमूएल ने कहा कि शाऊल तू परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चला, इसलिए तेरा राज तुझसे छीना जाता है और परमेश्वर ने कोई दूसरा राजा चुन लिया है। लेकिन फिर भी वो अड़ा रहा, फिर भी वो अड़ा रहा। कभी कभी ऐसा ही होता है, हम अपने जीवन में अपनी सोच को, अपने तरीके को ज्यादा अहमियत देते हैं। हम महसूस नहीं करते कि हमने गलत किया है, हम परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे हैं। अगर हमारे जीवन में कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है, अगर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा काम नहीं कर रही है, तो हमें अपने आप को जांचना चाहिए कि हम कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। क्या परमेश्वर की दृष्टि में सही हमारा जीवन है? हम नहीं जांचते, हम नहीं जांचते। हालेलुया। हम परमेश्वर से वाद विवाद करते हैं, बहस करते हैं। हमें परमेश्वर के सामने दीन बनकर, अगर हमसे गलती हुई है, हमें उसको स्वीकारना है, ताकि प्रभु हमारे अवगुणों को, हमारी गलतियों को हमसे दूर कर दे। अगर आप पश्चाताप कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा, जरूर आपको ऊंचाई पर बिठाएगा। हालेलुया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंसान में अहम आ जाता है और वो कहता है, नहीं मैं ठीक हूं, मैंने अच्छा काम किया है। शाऊल जो कि राजा था, वो समझता था कि मैंने सही काम किया है, इसलिए वो राज्य गद्दी को नहीं छोड़ रहा था। और यहां पर क्या हुआ सुनिए, पहला शमूएल 18:10-11-12। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा। Amen। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबुवत करने लगा। हाँ। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बजा रहा था। हाँ। और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। हालेलुया। 11वां देखिए, इस समय क्या है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा आ गई है। दाऊद वहां पर जो अभिषेक था, जो परमेश्वर का बच्चा है, जिसको परमेश्वर ने अभिषेक दिया, वो उसके सामने है, वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, परमेश्वर की आराधना कर रहा है, लेकिन शाऊल के अंदर दुष्ट आत्मा है और वो चिल्ला रहा है। क्या करता, आगे सुनिए। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को बेध कर भीतर में धस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। हालेलुया। आगे, साउल दाऊद से डरा करता था, क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और साउल के पास से अलग हो गया था। साउल ने उसको अपने पास से अलग करके सहस्त्रपति के एक मिनट। 11वां कहता है, तब साउल ने यह सोचकर भाला फेंक कर मारा कि मैं दाऊद को दीवार पर बेंधूंगा। क्या कहता था दाऊद ने, उसका कोई गुनाह किया था, कोई गलती की थी? नहीं की थी। दाऊद ने गोलियत को मारा था, वो उसकी सेना के साथ भी नहीं था, फिर भी, क्योंकि गोलियत परमेश्वर को ललकार रहा था, इज़राइल को ललकार रहा था, तो दाऊद ने कहा, नहीं मैं अपने परमेश्वर के नाम से आता हूं। हालेलुया। और दाऊद ने गोलियत को मार दिया था। दाऊद अभिषेक था, लेकिन दाऊद से ये चिढ़ रहा था, कौन? शाऊल। हालेलुया। आज मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के चुने हुए से नफरत करने लगते हैं। कोई उससे कुछ नहीं किया, वो चुना हुआ जो बंदा है, जिसको परमेश्वर ने चुना है, वो आपका कोई नुकसान नहीं कर रहा है, वो आपकी अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन आपको उसके अंदर, आपके अंदर घृणा आती है, उसके लिए नफरत आ जाती है, गुस्सा आता है आपके अंदर। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि आप खतरे में हैं और आपके अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रहा है।
पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है। हालेलुया, ध्यान दीजिएगा, हम यहां परिवार का एक हिस्सा है, हम यहां पर एक मसीह परिवार के साथ हैं। परमेश्वर किसी को भी यूज करता है, किसी को ऊंचा उठाता है। हालेलुया, ये परमेश्वर की योजना, ये परमेश्वर की उसकी दया है। लेकिन हम परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर के राज्य में अगर हमारा भाई, हमारी बहन, हमारा पासवान अगर आगे बढ़ रहा है और हमें खुशी नहीं हो रही है और हमारे अंदर नफरत आ रही है, तो मेरे भाई आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, आपके अंदर दुष्ट आत्मा है। क्योंकि प्रभु का अभिषिक्त जो भी होगा, मेरी बच्ची, मेरी बहन परमेश्वर का आशीष पाएगी, मुझे आनंद होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में आनंद है। जरूरी नहीं कि मैंने आपकी बीमारी के लिए मैंने चंगाई की, हो सकता है आपकी बीमारी के लिए हमारी बहन ने चंगाई की है, लेकिन मेरा आनंद क्या है कि परमेश्वर ने आपको छुआ, परमेश्वर ने आपको चंगा किया। प्रेज द लॉर्ड। इस बारीक चीज को आप समझिए। कभी कभी हम आपस में ही एक दूसरे से घृणा करने लगते हैं, एक दूसरे से ईगो में आ जाते हैं, नफरत करने लगते हैं। हालेलुया, पास्टर ने उसको चांस दे दिया, मुझे चांस नहीं दिया, मैं कब बोलूंगा, मेरा बच्चा कब बोलेगा। हालेलुया, हमारे अंदर कभी कभी ये बातें जो हैं बिल्कुल नहीं आने दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर ये बातें आ रही हैं तो हमारे जीवन में दुष्ट आत्मा काम कर रही है। अगर परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का अभिषेक हमारे अंदर है तो वो परमेश्वर की बड़ाई करेगा, परमेश्वर की भलाई को देखेगा। हालेलुया, अगर परमेश्वर आपको उठा रहा है तो मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, आप में जो परमेश्वर की भलाई है मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर आपको ऊंचा उठा रहा है और आपकी प्रार्थनाओं से परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है, तो मैं आपके अंदर परमेश्वर की भलाई को देख रहा हूं। मेरा आनंद क्या है कि प्रभु आप में काम कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने प्रभु को देख रहा हूं आपके अंदर। शाऊल नहीं देख रहा था, शाऊल नफरत में अंधा हो गया था, उसे कई बार दाऊद को मारने की कोशिश की, दाऊद ने कुछ नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। कई बार उसे मारने की कोशिश की, देखिए देखिए दाऊद कैसे उसको बचाता है। हालेलुया, इसी का 24, पहला शमूएल 24 6 और 11। दाऊद क्योंकि अभिषेक था, दाऊद क्योंकि परमेश्वर का बच्चा था, परमेश्वर से करके भय में रहता था। देखिए, जो भी परमेश्वर का बच्चा होगा, जो भी परमेश्वर का चुना हुआ बच्चा होगा, वो परमेश्वर के भय में काम करेगा, उसके अंदर परमेश्वर का भय होगा। कोई भी काम करने से पहले आपके अंदर परमेश्वर का भय होगा कि नहीं यार, कहीं ये काम करने से मेरा परमेश्वर तो नाराज ना हो जाए। हालेलुया, हमें वो काम नहीं करना जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। हमें ऐसा कोई विचार भी अपने अंदर नहीं लाना जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। हमें कोई ऐसा सुख नहीं चाहिए जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। प्रेज द लॉर्ड। अगर मेरे अंदर कोई सुख आता है, मेरे अंदर कोई सामने नशे की दुष्टात्मा सामने आती है और कहती है नशा करो, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि नहीं, मेरे परमेश्वर के विरुद्ध ये काम है, निकालना मुझे उसको वहां से। परमेश्वर की शक्ति हमारे साथ है, लेकिन वो शक्ति कब है? जब हम उसको यूज करना चाहेंगे। हम इतने कमजोर नहीं है कि नशा हम पर हावी हो जाए, गुस्सा हम पर हावी हो जाए, क्रोध हम पर हावी हो जाए, नहीं, हमारी समझ है मनस्पित कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। आपका प्रेम क्या है परमेश्वर के लिए? हालेलुया। अगर तो वो शराब, अगर तो वो गुटखा, अगर तो वो सिगरेट, आप उसके बिना नहीं रह पा रहे हैं, इसका मतलब आपका प्रेम परमेश्वर के लिए नहीं है। हालेलुया। मेरे उस जीवन का अर्थ क्या है? अगर मैं अपने जीवन को परमेश्वर की सेवा में लगाए बिना जिंदगी जी रहा हूं, तो मेरे लिए वो पाप है। फिर आप यीशु मसीह के मरने का मतलब नहीं जानते, फिर आपको एहसास नहीं है कि परमेश्वर आपके लिए मरा। अगर आपके अंदर एहसास है कि यीशु मसीह आपके लिए मरा और मर के जिंदा हो गया, तो आप
बिना उसके नहीं जी सकते। आपके अंदर तड़प पैदा होगी कि मैं काम करूं, मैं प्रभु का नाम लूं, गलियों में जाऊं, चौराहों में जाऊं, घरों में जाऊं, अपने भाई को बोलूं, अपनी बहन को बोलूं, मेरा यीशु महान है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बोलना बहुत जरूरी है। चर्च में हम लोग तालियां बजा लेते हैं, लेकिन चर्च खत्म होने के बाद ये बोझ हमारा खत्म हो जाता है। नहीं बहन, प्लीज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, ये 2020 आपके और शैतान के बीच में लड़ाई है, आपके और आपके शरीर के बीच में लड़ाई है। जिसरा पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूं। क्या पौलुस को नींद नहीं आती होगी? उसकी भी इच्छा होती होगी कि आराम करे। जब कोड़े पड़ते होंगे उसको भी दर्द होता होगा, उसका भी लहू बहता होगा। हालेलुया। वो दरोगा ने पहला एक्ट में प्रेरित काम 16:23-25 के बीच में, 23 और 25-26 के बीच में उस दरोगा ने उसको कितना मारा, पौलुस और सिलास को। लेकिन क्या किया उन्होंने? उन हथकड़ियों को लेकर, जंजीरों को लेकर स्तुति आराधना कर रहे थे। और उनकी स्तुति आराधना का क्या असर पड़ा कि जितने वहां कैदी थे और जो दरोगा था उन सबका उद्धार हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके अंदर, हमारे अंदर परमेश्वर का आनंद बना रहना चाहिए। हमारे आनंद से देखें लोग कि यीशु हम में है। मैं बार बार आपको समझाता हूं, आपकी नौकरी आपका आनंद नहीं देती आपको, आपका धंधा आपको आनंद नहीं देता है, क्योंकि नौकरी और जो आपका धंधा है वो लिमिट, सीमित समय के लिए। हालेलुया। आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपकी नौकरी, आपका कोई बिजनेस अगर चला गया है, धन्यवाद देके बोलिए, देखिए धन्यवाद बोलकर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। अपना आनंद मत खोइए मेरी बहन, मेरे भाई, अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपको उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरा 1,000 रुपए का काम, 2,000 रुपए का काम, मेरी नौकरी परमेश्वर के दिए हुए आनंद को मुझसे ले सकती है क्या? तो परमेश्वर का आनंद बहुत सस्ता है। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा वो आनंद मुझे मारा मिला है। हालेलुया। वो आनंद इतना हल्का नहीं है, वो शांति इतनी हल्की नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि वो जो वचन है जो आपको मिलते हैं, जो यहां पर है, उसको लिख लीजिए। और मैं आपसे कह रहा हूं, निवेदन करता हूं कि हर रोज उन वचनों पर 15 मिनट बैठिए, सिर्फ 15 मिनट। जो मैं आपसे कह रहा हूं उसको याद रखिए, उसको याद करिए। मैं आपको कह रहा हूं आने वाले 6 महीने में आप कहेंगे कि साहब मेरा जीवन ऐसे बदल रहा है, ऐसे बदल रहा है। क्योंकि तब जब आप उस पर मनन करेंगे तो वचन आपके अंदर काम करेगा और आपका अंदरूनी चीज, आपके जो बंधन है टूट जाएंगे, आपके श्राप टूट जाएंगे, आपकी बीमारियां निकल जाएंगे। हालेलुया। इतनी ताकत है इन वचनों में। लेकिन हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, हम उसको लेने की कोशिश नहीं करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फीस देते हैं और गोली लाते हैं और अपने आप को ठीक करते हैं, लेकिन यहां पर यीशु मसीह मुफ्त में हमको ये आशीष देकर गया है। मुफ्त में। अगर आप इन वचनों को ईमानदारी के संग, विश्वास के संग अपने अंदर ग्रहण करें, मनन करें,
आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है ब्रदर, मेरी बहन, आपके जीवन को प्रभु लेके चलेगा। आपको बुद्धि परमेश्वर देगा, आपको ज्ञान परमेश्वर देगा, आपको रास्ता परमेश्वर दिखाएगा। बिल्कुल, आप करके देखिए। हालेलुया। अब देखिए यहां पर शाऊल के अंदर दुष्टात्मा थी, उसने कई बार दाऊद को मारने की कोशिश की। प्रेज द लॉर्ड। अब यहां दाऊद जो कि परमेश्वर का अभिषिक्त था, वो क्या बोलता है देखिए, पहला शमूएल 24:6। वह अपने जनों से कहने लगा, हाँ, यहोवा न करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं। आमीन। क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। दाऊद शाऊल से छुप रहा है, गुफा में बैठा हुआ है अपने लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ। शाऊल सेना लेकर दाऊद को ढूंढ रहा है कि मैं इसको मारूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और दाऊद गुफा में छुपा हुआ बैठा है। उस गुफा में शाऊल आता है बाथरूम करने के लिए, और शाऊल को नहीं पता कि यहां पर दाऊद है। हालेलुया। उसके साथी कहते हैं, उसके सैनिक कहते हैं कि दाऊद राजा मौका है, ये पास में बैठा हुआ है, मार दे। वो कहता नहीं, 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 ये परमेश्वर का चुना हुआ है, मैं कैसे इस पर हाथ उठाऊं, मेरे लिए सोचना भी गलत है कि मैं इसको मारूं। रिसलॉट। क्या था उसके पास? आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का अभिषेक। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा होती है ना मेरी बहन, वो आपको परमेश्वर की दिए हुए वरदान के अनुसार आपके जीवन में चलता है। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की शांति संकट में बनी रहती है, क्योंकि उसकी आत्मा आपके अंदर, वो 9 फल आपके जीवन में काम करते हैं क्योंकि उसकी आत्मा आपके अंदर है। दाऊद के अंदर उसकी आत्मा थी, उसमें सब्र था, धीरज था, आनंद था, सहनशीलता थी, विश्वस्तता थी उसके अंदर। और उसने क्या कहा कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, उसने अपने साथियों से कहा, यहोवा के कारण ये मुझसे दूर हो कि मैं यहोवा के अभिषिक्त अर्थात अपने स्वामी के साथ ऐसा करूं कि उसके विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाऊं। वो तो यहोवा का अभिषिक्त है। 11वां। फिर हे मेरे पिता, देख अपने बागे की छोर मेरे हाथ में। अब वो बाहर निकला, शाऊल वहां से निकल गया। अब दाऊद ने उसके बागे की डोरी काट ली। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद उसके अंदर था गुफा में और शाऊल बैठा हुआ था उसके जो बागे की, उसका जो वो था पहनने वाला, हालेलुया, उसके बागे की डोरी दाऊद ने काट ली। अब वो बाहर आता है और कहता है कि हे शाऊल, हालेलुया, अब है मेरे पिता, देख ले सचमुच। 9 से पढ़ो, 9 से पढ़ो, 9 से। और दाऊद ने शाऊल से कहा, हाँ, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, हाँ, उनकी तू क्यों सुनता है? हाँ, देख आज तूने अपनी आंखों से देखा है, हाँ, कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था, हाँ, और किसी किसी ने तो मुझे तुझसे मार डालने का कहा था, हाँ, परंतु मुझे तुझसे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा मैं अपने प्रभु पर हाथ न उठाऊंगा क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का भय आपके जीवन में कब आता है? जब उसकी आत्मा के अनुसार आप चलते हैं। जब परमेश्वर का भय आपके जीवन में होता है, उसकी आत्मा आपकी अगुवाई करती है, उसकी आत्मा आपकी अगुवाई करती है। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़िए। फिर हे मेरे पिता, देख अपने बागे की छोर मेरे हाथ में देख, मैंने तेरे बागे की छोर तो काट ली परंतु मुझे घात न किया। इससे निश्चय करके जान ले कि मेरे मन में कोई बुराई या अपराध का सोच नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। वो दिखाता प्रमाण है, देख बागे की डोर, देख मेरे पिता है शाऊल, मेरे राजा, देख अगर मेरे मन में बुराई होती तो मैं तुझे आज मार डालता। देख तू मुझे मारना चाहता है,
तू मुझे मारना चाहता है जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये देख। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अभिषेक आपके अंदर दया पैदा करता है। परमेश्वर का अभिषेक आपके अंदर परमेश्वर का चरित्र पैदा करता है, प्यार पैदा करता है। इसलिए तो कहा यीशु मसीह ने कि दुश्मनों से प्यार करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। दाऊद के मन में वो शाऊल जो कि उसका दुश्मन बन चुका था, दाऊद प्यार कर रहा था कि नहीं मैं तुझे नहीं मार सकता हूं। दाऊद का अभिषेक हो गया था, दाऊद गद्दी पे बैठने वाला था। परमेश्वर ने शमूएल ने उसे कहा था कि तू परमेश्वर की ओर से चुना हुआ राजा है, यानी कि दाऊद जानता था कि शाऊल हटेगा तो मैं बैठूंगा। ध्यान दीजिए, दाऊद जानता था कि शाऊल हटेगा और अगला इज़राइल का राजा कौन है, मैं हूं। उस सिंहासन के लिए वो सिंहासन सामने था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने लालच नहीं किया। आमीन। क्यों परमेश्वर दाऊद को अपना मित्र कहता है कि मेरे दिल को समझने वाला दाऊद है? हालेलुया। क्यों कहता है? सिंहासन सामने है उसके, शाऊल हटेगा तो दाऊद बैठेगा, वो जानता है। और शाऊल उसे कई बार मार चुकने के लिए, मारने के लिए उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं नहीं मारूंगा, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे प्रभु का आशीष चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम छोटे छोटी चीजें हमारे जीवन में आती हैं, 2000, 10,000, 15,000, 25,000, 50,000, और हमें बहका देते हैं, हम बहक जाते हैं और हम गलत काम कर जाते हैं, हमारे अंदर गलत सोच आ जाती है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, पास्टर से प्रार्थना करते हैं कि प्लीज ये मुझे मिल जाए। मेरे भाई, कोई भी सिंहासन आपको सुख नहीं दे सकता है जो सुख परमेश्वर के चरणों में है। क्या दाऊद राजा नहीं बना? क्या दाऊद राजा नहीं बना और सबसे सफल राजा बना? हालेलुया। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप जानेंगे, दसवें का अगर आपका बिगनिंग पढ़ेंगे, कि परमेश्वर ने ही शाऊल के अंदर दुष्ट आत्मा डाली थी। पढ़िए, दोबारा पढ़िए, पहला शमूएल 18 का दसवां, पहला शमूएल 18 का दसवां सुनिए। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा। आमीन। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा बलपूर्वक उतरा। क्यों उतरा भाई? क्योंकि परमेश्वर ने शाऊल का इनकार कर दिया था। शमूएल के द्वारा परमेश्वर ने कहा था कि शाऊल अब तू राजा नहीं रहा, परमेश्वर ने तेरी जगह किसी और को चुन लिया है, लेकिन शाऊल हटने के लिए तैयार नहीं है। जब भी दाऊद आता था, शाऊल के अंदर दुष्ट आत्मा आता था। दाऊद ने कुछ नहीं किया, लेकिन शाऊल उसे मारना चाहता था। क्यों? अगर आप पढ़िए तो आप जानेंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर राजा के पद से शाऊल को हटा चुका था, लेकिन दाऊद उसके साथ था। हालेलुया। क्यों शाऊल ने उसे मारने के लिए उकसाया? क्यों दुष्ट आत्मा ने शाऊल ने दाऊद को मारने के लिए उकसाया? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि दाऊद उसके साथ रहे, क्योंकि दाऊद कौन था? अभिषिक्त। हेलो, दाऊद कौन था? परमेश्वर का अभिषिक्त, परमेश्वर का चुना हुआ। जहां दाऊद लड़ाई करेगा, जो लड़ाई, जो युद्ध दाऊद करेगा वो जीतेगा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। और शाऊल के संग अगर दाऊद था तो शाऊल भी दाऊद की वजह से लड़ाई युद्ध जीतता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो अगर जीतता तो वो सिंहासन से कभी नहीं हटता।
इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता था कि दाऊद शाऊल के साथ रहे और वो युद्ध करे। इसलिए शाऊल के अंदर दुष्टात्मा आती थी और वो दाऊद को मारना चाहता था। और बाइबल कहती है अगर आप पढ़ेंगे पहला शमूएल पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि दाऊद छुप छुप कर शमूएल के संग रहा और वो युद्ध करता रहा, और जो जो युद्ध शाऊल ने अकेले किए वो सारे युद्ध शाऊल हारता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक तो जब परमेश्वर के सामने से, जब आपने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया है उसी समय पश्चाताप करिए। नंबर दो, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप उस आदमी के संग संगति करें जो आदमी परमेश्वर के विरुद्ध है। जो परमेश्वर को नहीं जान रहा है आपकी संगति उसके संग नहीं होनी चाहिए, परमेश्वर नहीं चाहता है। हम सोचते कि नहीं, जो आदमी परमेश्वर से दूर हो गया हम उसको जाएंगे, हम मनाएंगे, हम समझते हम परमेश्वर से ज्यादा शक्तिशाली हैं। उसको चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसको बताने वाला परमेश्वर है। आप प्रार्थना करिए उसके लिए, उस भाई उस बहन के लिए आप प्रार्थना करिए। परमेश्वर ने अगर उसको चुना होगा वो लेकर आएगा। हालेलुया। पश्चाताप की आत्मा परमेश्वर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लेकिन यहां पर क्या हुआ, दाऊद माफी नहीं मांग रहा है, सॉरी शाऊल माफी नहीं मांग रहा है, वो पश्चाताप नहीं कर रहा है और वो अपनी गद्दी छोड़ना नहीं चाहता है। हमें अपने आप को रोज जांचना है मेरी बहन, अपने व्यवहार से, किसी दूसरे के काम के अंजाम से, कलीसिया की बढ़ोतरी से, वचन से, हमारे अंदर क्या पैदा हो रहा है। आपके अंदर कलीसिया की बढ़ोतरी से आपके अंदर खुशी आनंद हो रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। हालेलुया। कलीसिया की बढ़ोतरी होने से आपकी सीट छिन गई और आपको दुख हो रहा है, यार अभी एक हमारे लिए सीट ही नहीं बैठने के लिए। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा अगर है आपके अंदर तो कलीसिया बढ़ रही है, सीट नहीं है, आप नीचे बैठ जाएंगे। धन्यवाद बहन बैठी, हम नीचे बैठ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है परमेश्वर का आत्मा, क्योंकि परमेश्वर आपको वो आत्मा देता है जो आपको एकता में बढ़ाए, जो सामर्थ्य दिखाए, जो परमेश्वर का प्रेम को साथ लेकर चले। यही तो प्रेम है परमेश्वर का, यही तो प्रेम है परमेश्वर का। पहला यूहन्ना 4:18-19, यही तो प्रेम है परमेश्वर का। कोई कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दो प्रभु के लिए। हालेलुया। यही तो प्रेम है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए 18, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर से भय निकाल देता है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ था, शमूएल जो शाऊल था वो दाऊद से डर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। शाऊल दाऊद, शाऊल था राजा, दाऊद कुछ भी नहीं था उसके सामने, एक चरवाहा था, एक सैनिक था, एक वीणा वादक बजाने वाला आदमी था। शाऊल क्या था, राजा, लेकिन वचन कहता है कि वो डर रहा था उससे। पढ़िए आपका 10:11 दोबारा पढ़िए, 18:11 पढ़िए, 18:11। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा, 12 पढ़ो, 12, शाऊल दाऊद से डरा करता था, हाँ, क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था। आमीन। हालेलुया। शाऊल दाऊद से डरता था, वो नौकर है उसका, उसका कोई ताकत नहीं है। हालेलुया। लेकिन क्या था दाऊद के पास, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की आत्मा। देखो
परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों से बहुत प्रेम करता है। जिसको परमेश्वर ने चुना है ना, वो किसी भी दुश्मन को उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। कोई भी दुश्मन आपका खड़ा नहीं होगा। आपका प्रेम अगर परमेश्वर से है और अगर आप परमेश्वर के प्रेम में हैं, आप विश्वास करिए, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। मूसा के बारे में आज बात करते हैं। देखिए गिनती नंबर्स 12 एक से 13 के बीच में, नंबर्स 12 गिनती 12 एक से 13 के बीच में। यहां पर देखिए मूसा है, हालेलुया। मूसा परमेश्वर का चुना हुआ है, सब लोग जानते हैं। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इज़राइल को मिस्र से आजादी दिलवाई और वो लाल समुद्र को दो भागों के बाद लेकर आया, हालेलुया। यहां पर क्या होता है कि मूसा ने एक कुशी औरत से, कुशी नाम की औरत से, कुशी स्त्री से शादी कर ली। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी बहन मरियम और हारून दोनों जल उठे, हालेलुया। देखिए क्या होता है, पढ़िए। मूसा ने एक कुशी स्त्री से स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने मूसा को चुना हुआ था। मिलाप वाले तंबू में हारून भी जानता था, मरियम भी जानती थी, पूरा इज़राइल जानता था कि परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर बादल के रूप में मूसा से बात करता था। सीनै पर्वत पर मूसा जाता था, 40 दिन 40 रात वहां रहता था, परमेश्वर से बात करता था। जो परमेश्वर बोलता था वो मूसा इज़राइलियों को बताता था। सब जानते थे कि मूसा का संबंध परमेश्वर से कैसा है। अब यहां पर मूसा ने कुशी स्त्री से शादी कर ली, हालेलुया। और यहां पर क्या होता है कि मरियम और हारून उस औरत की वजह से मूसा की निंदा करने लगे। हेलो, हालेलुया। क्यों निंदा करने लगे? क्या मूसा शादी नहीं कर सकता था? क्यों निंदा करने लगे? आपको पता है, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना। आप निंदा कब करते हैं? जब आपके अंदर असुरक्षा आती है। आपके अंदर असुरक्षा आती है, एक और आ गया भाई, एक और आ गई बहन, अच्छा गाते हैं वर्शिप में, आपको इनसिक्योरिटी हुई कि साहब अरे यार वर्शिप अभी वो करेंगे, आप निंदा करने लगे। या कोई लीडर आपसे अच्छा जा रहा है, आप निंदा करने लगे। क्यों? क्योंकि असुरक्षा थी। मरियम के अंदर असुरक्षा आई उस औरत को लेकर कि अगर मूसा की औरत कुशी, मूसा अपनी पत्नी को अगर यूज करेगा परमेश्वर की सेविकाई के लिए, तो मेरा और हारून का क्या होगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो मूसा की निंदा करने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी पोस्ट, बेटे भागो मत, उन्हें अपना अस्तित्व हिलता हुआ दिखाई दिया। वो ये नहीं समझ रहे थे कि परमेश्वर जिसको चुनता है, देखिए बोलने वाला परमेश्वर है, देने वाला परमेश्वर है, काम करवाने वाला परमेश्वर है, मूसा को चुनने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। लेकिन यहां पर मरियम और हारून मूसा की निंदा करने लगे। आगे उन्होंने कहा, हाँ, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? हाँ। क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? हाँ। उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। आमीन, हालेलुया। क्या है, मूसा कौन है? अरे मूसा है कौन कि यहोवा ने उसी से बात की है? कि हमसे बात नहीं की क्या? हारून कहता है हमसे बात नहीं की क्या? मुझसे भी बात की है। मैं भी जाता था मूसा के साथ, हारून के पास, ये आपका फिरौन के पास, उसको बताता था कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। क्या है मूसा? कि मैं कुछ नहीं हूं। मरियम बोलती क्या, मैं कुछ नहीं हूं। ये सारी बातें किससे सुनी? परमेश्वर ने। ये दोनों किसको बोल रहे हैं? मूसा को। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मूसा कुछ नहीं बोला, वो अभिषेक था, वो दीन था। जो परमेश्वर में दीन होगा ना, वो कुछ नहीं बोलेगा। आप गाली दे लीजिए, कोई बात नहीं। हालेलुया, कोई बात नहीं। यही तो दीनता है।
मूसा परमेश्वर के सामने दीन था और बाइबल कहती है अब तक का सबसे नम्र एक अगवा, बाइबल उसे मानती है कि मूसा नम्र और दीन था। परमेश्वर ने सुना, आगे मूसा पृथ्वी भर के रहने वालों सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। Amen. बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, वो चुप रहा। मैं क्या जवाब दूं इनको, मैंने शादी की है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैंने शादी की है, और ये मरियम और हारून क्या बोल रहे हैं कि मैं कौन हूं, परमेश्वर मुझसे कौन बात करता है, मैं क्या सफाई दूं, मैं क्या बात करूं इन लोगों से, वो चुप रहा। अगला, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मूसा ने आज्ञा दी, मूसा मरियम और हारून चलो तुम लोग मिलाप वाले तंबू के पास आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन हमको दर्शाता है कि परमेश्वर न्यायी है, हालेलुया, लेकिन वो चाहता है कि जब मैं आपका न्याय करूं तो आप उस बात को समझें कि आपने गलत किया है। हालेलुया। अपने आप को जांचो, अपने आप को समझो और मिलाप वाले तंबू के सामने आओ। आगे, तब ये तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतर कर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया, अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा मेरी बात सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बात करूंगा। मेरी बातें सुनो, अभी ध्यान से सुनो, तुम लोग जो बोल रहे थे मैंने तुम्हारी बात सुनी, तुम लोग जो निंदा कर रहे थे मैंने तुम्हारी बात सुनी, जो तुम लोगों ने बातें की वो मैंने सुनी। हालेलुया। तुम लोग जो मूसा की निंदा कर रहे थे मैं सुन रहा था, अब मेरी सुनो जो मैं तुम्हें कह रहा हूं। हालेलुया। अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूं सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहता है कि यदि तुम में से कोई नबी हो तो मैं यहोवा अपने आप को उस पर दर्शन के द्वारा प्रकट करूंगा, प्रकट किया करता हूं, मैं उससे स्वप्न में बातें करता हूं, परंतु मेरे दास मूसा के साथ ऐसा नहीं है, वो तो मेरे पूरे घराने में विश्वास योग्य है, मैं उससे आमने सामने प्रत्यक्ष रूप में बातें करता हूं, गुप्त रूप से नहीं, वो यहोवा का रूप भी निहार पाता है। तब तुम देखिए, हालेलुया, वो कहता वो नबी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम किसकी निंदा कर रहे हो, मैं नबियों को तो दर्शन देता हूं, उनसे बोलता हूं कि मैं क्या चाहता हूं, उनको अपनी इच्छाओं के बारे में बताता हूं, लेकिन मूसा के आमने सामने मैं रहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम लोग नहीं जानते हो कि मूसा मेरे लिए क्या है। हेलो, आप लोग नहीं जानते हैं कि परमेश्वर का चुना हुआ परमेश्वर के लिए क्या है। उसने यूं ही नहीं कहा है कि तुम मेरी आंख की पुतली हो। परमेश्वर ने अगर आपको चुना है तो वह आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपकी निंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए यहां पर आप समझने की कोशिश करिए, मूसा परमेश्वर का चुना हुआ था, परमेश्वर बता रहा था। अब यही बातें सुनिए, सोचिए, ध्यान दीजिए, अगर यही बात जो परमेश्वर ने कही अगर मूसा अपने मुंह से बोलता, अगर मूसा बोलता कि मैं कोई नबी नहीं हूं, नबियों को तो परमेश्वर सपनों के द्वारा दर्शन देता है, लेकिन मुझसे आमने सामने बात करता है, मैं परमेश्वर से आमने सामने मिलता हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या होता, ये मूसा का घमंड साबित होता। आमीन। ये होता घाचा तो घमंड करता है, हो सकता है इसलिए चुप रहा। दीन आदमी जानता है कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जो मुझे परमेश्वर की दृष्टि में गलत ठहराए, इसलिए चुप रहा। वो कुछ नहीं बोला, वो जानता था कि वो परमेश्वर के कितने नजदीक है, वो जानता था कि परमेश्वर के आमने सामने बात करता है, वो जानता था कि परमेश्वर का अभिषेक उसके साथ है, जो बोलता है वो होता है, लेकिन चुप रहा। किसने कहा ये बातें, परमेश्वर ने।
हालेलुया, परमेश्वर ने। इसलिए कभी भी डरिए मत, अपनी दीनता को, अपनी नम्रता को अपना गहना बना के चलिए। आप किसी का दिल ना दुखाएं, ये हमेशा याद रखिए, आप किसी का दिल ना दुखाएं। अगर कोई आपकी निंदा करता है, कोई आपका दिल दुखाता है, तो परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर न्याय करेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप मत रोइए। आपका पति आपको प्यार नहीं करता है, आपका पड़ोसी आपको मारता है, आपकी सास ससुर आपसे प्यार नहीं करते हैं, आपकी निंदा करते हैं, कोई बात नहीं, माफ करिए उन्हें, माफ करिए। आप चुने हुए हैं, हमें अगेंस्ट नहीं बोलना है। हमारे न्यायी कौन है? परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा छुड़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। मुझे जीवन देने वाला कौन है? परमेश्वर। इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना है। अगर कोई आपका दोस्त आपको गलत बातें कहता है, गंदी बातें कहता है, कोई बात नहीं। आप ये जान लीजिए, विश्वास करिए कि मेरा पिता, मेरा परमेश्वर न सोता है न ऊँघता है, वो हर पल जागता है और वो आपको देखता है, हर पल, हर पल सुनता है वो आपकी। इसलिए कभी भी अपने अंदर ये भावना लेकर मत आइए, क्या मूसा नहीं बोल सकता था प्रेज़ द लॉर्ड कि मैं परमेश्वर के करीब हूं, तुम लोग कौन हो, मैंने खुशी से शादी की तो क्या गलत किया है, बोल सकता था प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कितना अच्छा लगा कि परमेश्वर मूसा के बिहाफ पर बोला, हालेलुया। यही परमेश्वर का प्रेम है, यही परमेश्वर की कृपा है, यही उसका अनुग्रह है, यही वो कहता है कि तुम मुझ पर डिपेंड हो, मैं तुम्हारे सारे शत्रुओं से तुम्हारा बदला लूंगा। हालेलुया। संहिता 91 का क्या कहता है? तेरे निकट 1,000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। आमीन। तेरे निकट 1,000 और तेरे दाहिनी हाथ 10,000 गिरेंगे, पर तुझ तक कोई नहीं पहुंच पाएगा, तेरा दुश्मन नहीं पहुंच पाएगा। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, उसने यूं ही अपनी आत्मा आपको नहीं दी है, उसने यूं ही अपना स्वरूप आपको नहीं दिया है। बाइबल कहती है कि उसने हमें अपनी समानता अपने स्वरूप में रचा है। हेलो, उसने यूं ही आपको अपना नहीं बनाया है, उसने यूं ही आपके लिए अपने इकलौते पुत्र का बलिदान नहीं किया है। वो आपकी बहुत परवाह करता है, आपके लिए बहुत सोचता है वो। लेकिन हम, जितना वो हम पर विश्वास करता है, जितना वो हमें अपना समझता है, उतना हम उसे अपना नहीं समझते। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा नहीं बोला, क्योंकि मूसा का रिश्ता परमेश्वर से क्या था वो जानता है। आप क्यों बोलते हैं, आप अपनी लड़ाई क्यों लड़ते हैं, क्योंकि आपका रिश्ता आप परमेश्वर से जानते ही नहीं है। अगर आप जाने कि परमेश्वर से आपका रिश्ता क्या है, तो बोलने वाले को बोलने दीजिए, परमेश्वर न्याय करेगा। आप अपनी बड़ाई, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं परमेश्वर का ज्यादा हूं, मैंने ऐसा काम किया, नो, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। आप क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपका जो परमेश्वर का रिश्ता है वो इतना मजबूत नहीं है। अगर आपका रिश्ता मजबूत है तो आप जवाब ही, कोई बात नहीं, अच्छा आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, माफ करिए। हालेलुया। अगर आप जवाब दे रहे, अगर आप महसूस करा रहे, अगर आप अपनी सफाई दे रहे, इसका मतलब परमेश्वर से आपका रिश्ता मजबूत नहीं है। परमेश्वर न्याय करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा
उस समय तक पूरे पूरे उसमें था अपने, सब जानते थे, इसराइल का 30 लाख लोग जानते थे कि ये हमारा अगुवा है, और उसके भाई और उसकी बहन नहीं जानते थे। यही होता है मेरे भाई, आपके जो अपने हैं ना वो आपको नहीं समझेंगे, आपका पड़ोसी समझ लेगा आपको, आपके अपने भाई बहन आपको नहीं समझेंगे। पूरा 30 लाख लोग जान रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा मरियम आई कहने के लिए। और क्या हुआ देखिए, क्या हुआ इसमें, गिनती 12 से पढ़िए दोबारा से। मूसा ने एक उसी स्त्री के साथ विवाह कर नहीं, लिया था। आगे जहां तक छोड़ा था वहां से पढ़ो ना। तब तीनों निकल आए, तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतर कर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया, अथा वे दोनों उसके पास निकल आए। हाँ जी, तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। नहीं, यहाँ से पढ़ो 8 का, तब तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते समय क्यों नहीं डरे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसी की निंदा करते समय हमारे अंदर भय आना चाहिए, ये परमेश्वर का चुना हुआ है, ये परमेश्वर का अभिषिक्त है, ये हमारा अगवा है, ये हमारा पासवान है। उसकी निंदा करते हुए हमारे अंदर भय आना चाहिए कि नहीं 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 यार, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपका पासवान गलत करता है परमेश्वर सजा देगा उसे। अगर आप महसूस करते हैं कि आपका पासवान आपसे पैसा लेकर और खुद अपने जीवन में अय्याशी कर रहा है, परमेश्वर जरूर उसको देखेगा और जरूर बदला लेगा। लेकिन अपने पासवान की, अपने अगवे की निंदा करने से पहले आपके अंदर भय आना चाहिए, क्योंकि वो कहता है कि तुमने मूसा की निंदा करने से पहले तुम्हारे अंदर भय क्यों नहीं आया, तुम डरे नहीं कि मूसा को मैंने सुना है, तुमने कैसे कह दिया उसकी निंदा कर दी। अगर तुम मूसा की निंदा कर रहे हो इसका मतलब कि मैं सही नहीं हूं, मेरा चुनाव सही नहीं है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर ने आपको कलीसिया दिया है और वहां पर आपको आशीषित एक पासवान दिया है और आप उसकी निंदा करते हैं, इसका मतलब परमेश्वर सही नहीं है, उस पासवान को चुनने में परमेश्वर गलत है, इसका मतलब आप सही हैं। हालेलुया। अगर मरियम और हारून मूसा की निंदा कर रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर ने जो उसको सुना है वो गलत है, मूसा गलत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कहते आप कैसे करेंगे, आप कैसे निंदा कर सकते हो, मैंने चुना है, मेरा चुना हुआ बच्चा है, तुम उसकी निंदा कैसे कर सकते हो। अगला, तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। आमीन, चला गया वो, उसका क्रोध भड़का। हालेलुया, सुनिए आगे क्या होता है। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोर से हिम के समान श्वेत हो गई। आमीन, मरियम को कोर आ गया, क्या आ गया, कोर, मरियम के ऊपर कोर आ गया, कोर आगे। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों में ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया है, यह पाप हम पर न लगने दे। आमीन, 12वां, और मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलती अदगली हो। आमीन, क्या देखता है हारून, हारून मरियम को देखता है जैसे एक बच्चा जिसके पास त्वचा नहीं है, अपनी माँ की कोख से निकला है। हालेलुया, कोल, वो कहने लगा, मूसा हमें माफ कर दे, हमने गलती की है, तू दुहाई दे, माफी मांग कि इस मरियम के ऊपर से, मेरी बहन के ऊपर से कोल निकल जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। और बाइबल कहती है मूसा ने फिर प्रार्थना की, क्योंकि चुना हुआ है वो दीन है। हालेलुया, हमारा यही काम है मेरी बहन, हमको माफ करना है और प्रार्थना करनी है। कहीं हम अपने अहम में, कहीं हम अपनी ईर्ष्या में परमेश्वर के विरुद्ध कोई काम ना करें। परमेश्वर के चुने हुए को निंदा करने का मतलब समझते हैं आप उसको श्राप दे रहे हैं। उत्पत्ति 12 का 3 जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे। एक मिनट, हालेलुया, ये परमेश्वर के चुने हुओं के लिए है। आप अगर परमेश्वर के चुने हुओं को श्राप देंगे तो परमेश्वर आपको श्राप देगा। लिखा हुआ है, जो तुझे आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा उसको मैं श्राप दूंगा। तुझे कुछ नहीं करना है, तेरा आशीष मैं हूं। आप समझिए इस वचन को, मेरे दुश्मनों से लड़ने वाला मेरा परमेश्वर जिंदा है और मेरे साथ है। वो देखिए हमारा संबंध परमेश्वर से कैसा है। संकट के समय जब आप घबराते हैं, हालेलुया, शद्रक मेशक अबेदनगो जो इजरायली से और बेबीलोन में गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, एक मूरत थी जिसको नबूकदनेस्सर ने बनाया था और ऐलान किया था कि जो इसके सामने नहीं नबूवत करेगा, झुकेगा, इसको आपका दंडवत करेगा, उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। जो इन तीनों के अगेंस्ट थे लोग, उन्होंने बताया राजा को, ये जो तीनों लोग हैं जिनको तू लेकर आया इसराइल से, ये तेरी मूर्ति को दंडवत नहीं करते, ये तेरी आज्ञा नहीं मानते। उनको लाया गया और दरबार के सामने उनको लाकर कहा गया, क्यों भाई? कहता हम नहीं करेंगे, हम परमेश्वर को पूछते हैं। हालेलुया, नबूकदनेस्सर ने कहा कि मैं तुम्हें आग की भट्टी में डाल दूंगा। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा कि आप हमें चाहे आग की भट्टी में डाल दें, मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा। हालेलुया, और सुनिए क्या कहता है वो, सुनिए यहां पर कि शद्रक मेशक अबेदनगो का रिश्ता परमेश्वर के संग क्या था। वो क्या बोलता है, अगर मेरा पिता मुझे नहीं बचाएगा तो भी कोई बात नहीं। आप सोचिए कि वो अपने पिता को क्या कितना जानता होगा। हेलो, हम शक करते हैं यीशु मुझे बचाएगा या नहीं बचाएगा, मुझे आशीष देगा नहीं देगा। वो क्या कहता है, अगर वो नहीं भी बचाएगा तो कोई बात नहीं, वो मेरा पिता है। क्योंकि शद्रक मेशक अबेदनगो जानते हैं कि मैं उसका पुत्र हूं और पिता संकट में छुड़ाने आएगा। हालेलुया, हम उसके पुत्र बन जाएं मेरे भाई, हम उसके अभिषेक को अपने संग बना के रखें, हम उसकी कृपा को, उसके अनुग्रह को कभी ना भूलें। वो हमें बचाएगा, संकट के समय मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे ऊंचा उठाऊंगा। 91 का 15 भजन संहिता 91 का 15। जब वह मुझे को पुकारे तब उसे सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। आमीन। कौन जान पाएगा, ये जानता था शद्रक मेशक अबेदनगो के संकट के समय परमेश्वर मेरे संग रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 9:24 क्या कहता है, यिर्मयाह 9:24। धन्य किसको कहता है परमेश्वर, यिर्मयाह 9:24। संकट के समय वो मेरे संग रहेगा, ये वादा है परमेश्वर का कि तेरे संकट में मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, और आपने अगर संकट में उसको एहसास कर लिया
अगर आपका विश्वास है आपकी कृपा और आप जानते हैं कि वो मेरे साथ है, क्या आपको संकट, आपका संकट लगेगा? नहीं। आपको डर लगेगा संकट में? मेरा प्रभु मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। संसार का रचने वाला मेरे साथ है। इसलिए वो क्या कहता है यिर्मयाह 9:24, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। हाँ, क्योंकि वो मुझे जानता और समझता है। जो आप, अगर आप उसे जानेंगे, शद्रक मेशक अबेदनगो परमेश्वर को जानते थे और समझते थे। इसलिए वो कहता है कि अगर वो नहीं भी आएगा तब भी कोई बात नहीं, वो मेरा पिता है, वो जानता था वो आएगा, मेरा पिता है वो। प्रेज द लॉर्ड। हम डर जाते हैं और उसका इंतजार नहीं करते, उसको महसूस नहीं करते। जैसे हम डरते हैं संकट में, हम महसूस ही नहीं करते कि प्रभु हमारे साथ है। और वो कहता है कि मैं मेरे बच्चे के साथ संकट में हमेशा साथ में रहूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, उस आत्मा की शक्ति को, उस अभिषेक को जो आपको मिला है, उसको समझिए। किसी भी अभिषिक्त भाई बहन को गलत शब्द मत बोलिए, किसी के लिए भी गलत मत सोचिए, किसी की निंदा मत करिए। क्यों? क्योंकि उसकी निंदा का असर आप पर पड़ेगा। आपका आत्मिक जीवन, आपको परमेश्वर की ओर से सजा मिलेगी। हालेलुया। वो कितना काम कर रहा है भाई, वो बहन कितना काम कर रही है, आपको उसकी चिंता मत करिए। हम कितना काम कर रहे हैं, हम कैसे परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, हमें वो देखना है। क्या हम समर्पित हैं? क्या हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए सच्चा है? क्या हम, क्या परमेश्वर का भय हमारे अंदर है? बस ये तीन चीजें ध्यान दीजिए। सामने वाला नहीं कर रहा है, परमेश्वर न्याय करे, उसके लिए प्रार्थना करिए। हमें उसकी निंदा करने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में गलत बोलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सब खुश हैं, आनंदित हैं। आज का वचन हमने ग्रहण किया। बोलिए यीशु मसीह की।